घटनाएं भी दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज की सबसे बड़ी तस्वीर इस समय आपके स्क्रीन पर है। आपको बता दूं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। वैसे तो ये पिक्चर या ये तस्वीर आप खुद ही देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने बयां कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भावुक, इसरो के चेयरमैन के सिवन भावुक, गले लगाया प्रधानमंत्री ने, और ना सिर्फ गले लगाया बल्कि काफी देर तक उनकी पीठ थपथपाई। इस तस्वीर को आप ऐसे समझिए, ये आजाद भारत की सबसे यादगार तस्वीर है। ये चंद्रयान 2 के बाद की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिसमें पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री किसी वैज्ञानिक को इस तरह गले लगा रहा है पहली बार, और ना सिर्फ गले लगा रहा है बल्कि उसकी तरह ही भावुक भी हो रहा है और साथ ही उसे हौसला दे रहा है ये कहते हुए कि बी पॉजिटिव। करीब 95% सफलता से मिशन चंद्रयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले के सिवन को हौसला दिया और थोड़ी देर पहले उन्हें गले लगाया। ये याद रखिएगा कि ये आज की नहीं, आजादी के बाद की सबसे बड़ी तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। कल रात की तस्वीर जब वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे तब भी यही कहा, हौसला मत खोइए, आपके पुरुषार्थ से ये देश पहले भी जश्न मनाता आया है और भविष्य में भी जश्न मनाएगा। और सुबह जिस तरह से इसरो के चेयरपर्सन को गले लगाया सिवन साहब को भावुक हो गए, उनकी स्थिति भी समझिए। 99.9 का सक्सेस रेट अगर किसी संस्था का होगा तो वो अपने लिए कितना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती है वो ये तस्वीर बयां कर रही है। वो के सिवन साहब का भावुक हो जाना बयां कर रहा है। वो 100% सक्सेस रेट में यकीन रखते हैं और यही नए हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी बात है, उम्मीद वाली बात है। और आपको बता दूं, कल रात से ही हम आपसे ये कह रहे हैं, इंडियन स्पेस चंद्रयान 2 99.9% सक्सेस और कुल मिलाकर यही वजह कि आज भी दुनिया में हिंदुस्तान के इस बड़े मिशन को लेकर चर्चा हो रही है। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया। रात से अगर आप जी न्यूज की ब्रॉडकास्ट देख रहे होंगे तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि लीडरशिप के बारे में, ये राजनीतिक नेतृत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाली तस्वीरें हम कल रात से ही आपको दिखा रहे हैं। चंद्रमा पर पहुंचने के मिशन से डिगेंगे नहीं, हम नई जगहों पर जाना है, नई चुनौतियों का सामना करना है। कोई रुकावट हमारा हौसला कमजोर नहीं कर सकती। हम मक्खन पर लकीर खींचने वाले नहीं है, हम पत्थर पर लकीरें खींचते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसकी आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये सभी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई हैं। आगे बढ़े, एक्सपर्ट्स का रुख करें, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। यू वेंचर into a place where no one had ever done before. आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। You came as close as you could. Stay steady and look ahead. इस मिशन के दौरान चाहे देश में रहा या विदेश में, हर बार चंद्रयान की स्थिति से जुड़ी सूचना लेता रहता था। साथियों, भारत दुनिया की अहम स्पेस पावर में से एक है, तो उसके पीछे आप सभी का दशकों से, जिन साथियों ने इसरो में काम किया है उनका परिश्रम है, उनका योगदान है। ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया था। इससे पहले दुनिया में ऐसी उपलब्धि किसी के नाम नहीं थी। हमारे चंद्रयान ने ही दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। ये भी
आपके ही प्रयास थे कि हमने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। जब इसरो के पास सक्सेस की एनसाइक्लोपीडिया हो तो रुकावट के एक दो लम्हों से आपकी उड़ान आउट ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं हो सकती। लोग पानी से नहाते हैं तो लिबास बदलते हैं, और जो लोग पसीने से नहाते हैं, जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। सचिन भांबा, अभी जो मैंने अभी स्पीच देखी पीएम साहब की, और कमाल का उन्होंने व्यक्तित्व सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि इस वक्त जो वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया। उन्होंने बोला भी कि मैं रात को यहां से इसलिए चला गया था क्योंकि मैं आपका सेंटिमेंट समझ गया था और चाहता नहीं था कि जब आप अपनी उस दुविधा से गुजर रहे हैं, जब आपने ये सब एनालाइज करना है, मैं वहां रहूं और आपकी अटेंशन मेरी तरफ रहे। इस तरह का व्यक्तित्व रखना और इतना साफ, इतना जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग रखना उस सिचुएशन की, और सुबह सुबह आकर के उन सबको हौसला देना जिस तरह सिवन साहब को उन्होंने गले लगाया, हमारे पूरे कम्युनिटी में, स्पेस कम्युनिटी में ये अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि सिवन साहब की आंखों से शायद दो आंसू भी टपके। मैं इन तस्वीरों के बारे में बात करना चाहती हूँ, इन तस्वीरों के बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे तो मेमोरी कहते हैं बहुत छोटी होती है, याददाश्त कमजोरी होती है, लेकिन ऐसी तस्वीरें कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता किसी साइंटिस्ट को इस तरह से गले लगाकर, और वो भी वो साइंटिस्ट या इसरो का, इसरो जैसी संस्था का प्रमुख जो खुद अपनी अपने अपनी मेहनत के फाइनल नतीजे से खुश ना हो, लेकिन उसको जाके इस तरह से हौसला अफजाई करना, उसे गले लगाना, उसे कहना बी पॉजिटिव, और वो भी मुस्कुराहट के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। एक बार वो तस्वीर फिर से, पूरी तस्वीर हमें देखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री भी भावुक हुए। अगर आप उस तस्वीर को देखेंगे प्राइम मिनिस्टर भावुक हुए और वो फिर वापस आए, एक लीडर के तौर पर वो वापस आए और उन्होंने कहा बी पॉजिटिव और मुस्कुराए। वो अपने आप पे सबसे डिफिकल्ट लम्हा होता है। हम सभी जब अपने इमोशंस को फाइट बैक करते हैं और हमें आकर वो स्टैंड या ऐसी कोई बात करनी पड़ती है, वो इतना आसान नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वो किया। सचिन पहले आप, फिर मैं रवि जी को। जी जी बिल्कुल, ये कमाल का जेस्चर दिया है मेरे ख्याल से। देखिए वो तस्वीर देखिए, ही गेट्स इमोशनल हियर, यहाँ से बिल्कुल बाउंस बैक करते हैं और फिर से उनको कहते हैं कि घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ और ये पूरा भारत आपके साथ है। शायद इस वक्त इस साइंटिस्ट को इस बात की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि कोई और इंसान समझ ना पाए कि ये एग्जैक्ट जो वर्ड्स थे, उन्होंने कितना उनके अंदर इस वक्त कॉन्फिडेंस भरा होगा, उन्होंने उनको कितना प्रिपेयर किया होगा कि अगले आने वाले चैलेंजेस को वो ठीक से ले पाए। ये प्रधानमंत्री जी ने कमाल की एक जेस्चर दिखाया है और मैं शत शत नमन करता हूं इस लीडर को जिसको ये बात, ये सेंटिमेंट इस वक्त समझ आया। मैं कल स्टूडियो में था तो मैंने एक बात ये भी सुनी थी कि एक पूर्व हमारे चेयरमैन के लिए सडनली किसी ने कह दिया कि मैं जानता हूं कितने दूध के धुले हैं, और एक ये सेंटिमेंट देखिए जहां पे उन्होंने बिल्कुल एक घर के बड़े की तरह, वो खुद ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने घर के बड़े की तरह एग्जैक्टली वो रोल निभाया जो उस वक्त करना चाहिए था और जो होना चाहिए था। और आप देखेंगे कि वो जाने से पहले हर किसी से मिले, मैंने ये भी नोटिस किया कि वो ऑलमोस्ट गेट पे आ गए थे और फिर वो मुड़े, उन्होंने देखा कि कुछ भूतपूर्व हमारे जो चेयरमैन हैं इसरो के वो कहीं और किसी रूम में बैठे हैं और उनको लगा कि मैं उनसे नहीं मिला हूं, तो वहां गए उनसे मिले। तो मुझे लगा उन्होंने जो एक एक आदमी से हाथ मिलाया, एक एक साइंटिस्ट से, चाहे वो किसी भी पद पे किसी भी लेवल पे वहां पे हो, उन सबसे मिले हैं, उन्होंने जो जेस्चर दिया है, मुझे लगता है ये अपने आप में स्पेस प्रोग्राम के लिए एक नया लॉन्च, एक नया बाउंस बैक उन्होंने क्रिएट किया है। आज ये कॉन्फिडेंस जो जरा सा शटर हुआ था वो भी उनके दिमागों से बिल्कुल उड़ा दिया है उन्होंने। जी जी रवि गुप्ता जी, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं सर, लंबा आपका करियर है, ये तस्वीरें देखिए, आप से ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूं बार बार कि जब ये तस्वीरें आती हैं सर, जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, आपको क्या क्या मैसेज जाता है, क्या सोचते हैं आप? ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी देखी है? पहले कभी भी नहीं देखी, और साथ ये भी है कि पहले कहा करते हैं कि उन्होंने पीठ थपथपाई है, यहाँ पर बड़ी देर तक पीठ सहलाई है और बड़े बड़े अपने भावों को कंट्रोल करके, और इस बात को ऐसे लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि 99% तो ये सक्सेस थी और उसको क्यों लोग जो है इग्नोर करें, या हम उस
इस 1% जो जो आखिर में जो अगर कोई कमी रह गई थी या कमी क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वहां का लोकल टेरेन का होता हो सकता है, वहां के लोकल हवा का, हवा तो खैर वहां नहीं है, तो वहां किसी भी तरह की जो ट्रेन में वो जो ग्रेविटी है वो भी समतल नहीं है और वो सब जगह एक जैसी ग्रेविटी भी नहीं है, तो कुछ कई और फैक्टर भी हो सकते हैं, तो उन सब के रहते हुए ये जो इसको फेलियर तो नहीं, 99% तो सक्सेस रही है अब तक, और ऐसी फेलियर्स और में भी होती रही है पिछले 60 सालों से सर, ये तो, पिछले ये 60 तो, सालों से कई अटेम्प्ट हुए हैं। 59 में सोवियत जो है वो एक यान जो था वो चांद की परली तरफ गया था, तो उसके बाद लैंडिंग के वक्त जो है वो फ्लाई बाई भी हुए, क्रैश लैंडिंग भी हुए, तो कई तरह से फेलियर्स हुई हैं और ये फेलियर्स पर ही तो गिर गिर के तो शासवार बनते हैं लोग। तो आज सुबह से मेरे को, हालांकि मैं भी बहुत सैड रहा, और सुबह से मेरे को एक वो याद है, उर्दू का एक शेर है, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। एक और बात भी ठीक, मैं एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे, बलदेव दावर जी, रवि गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं, लेकिन जनरल द्विवेदी, जनरल द्विवेदी बार बार इन तस्वीरों पर लौट रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें बहुत बड़ा मैसेज देती हैं। ये तस्वीरें इन साइंटिस्ट को, कल से ही हम इन्हें वैज्ञानिक योद्धा कह रहे हैं कि भाई जो जवान जैसे सीमा पर खड़ा होता है वैसे ये वैज्ञानिक हैं, ब्लाइम लाइट से दूर, पर्दे के पीछे अथक प्रयास करते हुए। एक रात जागने की बात थी तो लोग कितना हो हल्ला मचा रहे थे कि अरे रात को जागना है, रात को जागना है। ये लोग तो पता नहीं कितनी रातें जाग कर ही बिताते हैं, तब जाकर ऐसे मिशन जो है उनको एग्जीक्यूट किया जा पाता है। लेकिन ये जो तस्वीरें, मैं इन तस्वीरों पर बात करना चाहती हूँ आज, क्योंकि ये नई इंडिया की सबसे नई तस्वीर है। देखो निधि, मिलिट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लीडरशिप। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ऐसी तस्वीर आप देखते हैं तो इसमें दो चीजें उभर के आती हैं। एक टीम मेंबर अगर अपने टीम कैप्टन के कंधे पर अपना सिर रख देता है तो ये बताता, ये दर्शाता है कि कितनी कॉन्फिडेंस और कितना उसमें बॉन्ड है जो लीडर में और टीम में, पहली बात। दूसरा, जब ऐसा हम प्रयत्न करते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि परिणाम से ज्यादा प्रयास की बहुत अहमियत होती है कि आपने कितना अच्छा प्रयास किया, चाहे परिणाम आप बिल्कुल कहते हैं ना जैसे हेयर्स ब्रेड से आप मिस कर गए हैं, पर आपका प्रयास जो है वो प्रयत्न से भी ज्यादा होता है। और तीसरी बात, जब एक नेशन का प्राइम मिनिस्टर जाके ऐसे इसमें शामिल होता है, अपना कंधा देता है, तो एक मिसाल पैदा होती है कि देखो कि हम आपके साथ हैं, आपके प्रयासों के साथ हैं, और सफलता या असफलता उसका मैंने नहीं देखती है, सबसे ज्यादा होता है कि कैसा प्रयास हुआ और कैसा आपने प्रयत्न किया, परिणाम जो है वो दूसरी बात हो जाती है जी। और एक एक और बात होती है, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उन्हें क्या बात सबसे अलग करती है, वो ये कि वो मुश्किल हालात में, क्रिटिकल मोमेंट्स में, टफ मोमेंट्स में कैसे बिहेव करते हैं। अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे बिहेव करते हैं, जो कि आप कल रात से देख रहे हैं कि निकल कर आते हैं, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने साइंटिस्ट को मोटिवेट करते हैं, उनके बीच जाते हैं, आप लगा लीजिए रात के 1 बजे से लेकर, और हम अब 9:15 बजे की बात करें, करीब करीब 8 घंटे, इस दौरान आपने सबसे ज्यादा तस्वीरें देखी हैं अगर तो प्राइम मिनिस्टर की साइंटिस्ट के साथ तस्वीरें देखी हैं। और यही चंद्रयान 2 ने कर दिखाया है, जो पॉलिटिकल क्लास और देश के साइंटिस्ट में या जवानों में ये फर्क जो था उसे खत्म कर दिया गया है इन्हीं तस्वीरों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रही हूँ ये सुनवाते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और क्या कहा देश के वैज्ञानिकों से, लेकिन इस आपसे भी चाहूंगी इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें हमारी और आपकी जिंदगी के लिए भी काफी कुछ सीखने को। मैं मानता हूं ज्ञान का अगर सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो विज्ञान है। विज्ञान में विफलता होती ही नहीं है, केवल प्रयोग और प्रयास होते हैं। हर प्रयोग, हर प्रयास
ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख करके जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है।